नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण पटवा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुलसुली। दोस्तों, यह वीडियो बड़ा जरूर हो सकता है, पर अप्रेंटिसशिप करने वालों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है जो आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वे सभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वह आप तक पहुँचता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में अप्रेंटिसशिप करने वाले सभी अभ्यर्थी जो अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करते हैं, उसके बाद उनका चयन अप्रेंटिसशिप के लिए होता है, तो उस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा इस प्रकार का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन अप्रेंटिसशिप के ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeshipindia.government.in पर प्रोफाइल लॉगिन करके करवाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वैधता कॉन्ट्रैक्ट जारी होने से 14 दिवस तक होती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले या अप्रेंटिस प्रशिक्षण पूर्ण होने पर AITT अप्रेंटिस परीक्षा फॉर्म भरने से पहले आपको अपने प्रोफाइल के सभी जानकारी को अपडेट करने की अनुमति होता है। यदि आप प्रोफाइल को वेरीफाइड हेतु प्रोसेस करने के लिए भूल गए और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं तो घबराने की बात नहीं है। आप बाद में AITT परीक्षा से पहले अनिवार्य रूप से प्रोफाइल को वेरीफाइड कर लें। आपको अपने प्रोफाइल को सबसे पहले वेरीफाइड करना आवश्यक होता है। यदि आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो अप्रेंटिसशिप पूर्ण होने के बाद अप्रेंटिसशिप के होने वाले AITT परीक्षा एवं उसके रिजल्ट के समय आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी गूगल में apprenticeshipindia.government.in वेबसाइट को सर्च करें। उसके बाद पोर्टल का होम पेज इस प्रकार दिखाई देगा, जिसमें लॉगिन बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें पोर्टल पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी स्मॉल छोटे लेटर या कैंडिडेट कोड, इन दोनों में से किसी एक को यहां पे फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आपने जो पोर्टल का पासवर्ड बना रखा है उसे एंटर करेंगे। पासवर्ड सही है उसे कंफर्म करने के लिए यहां साइड के आई बटन को क्लिक करके चेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे चेक बॉक्स को एक्टिव करें, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करें। पोर्टल पर प्रोफाइल लॉगिन होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में 1 दिखाई देगा। यह जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वह 1 वर्ष के लिए ही होता है और यह कॉन्ट्रैक्ट साइन ही आपके ज्वाइनिंग का प्रमाण होता है। प्रोफाइल को वेरीफाइड करने से पहले अपने प्रोफाइल के शैक्षणिक योग्यता वाले भाग में अप्रेंटिस के SOP अनुसार सिर्फ 1 शैक्षणिक योग्यता एड होना चाहिए। जिस पात्रता के अनुसार आपका यहाँ अप्रेंटिसशिप हेतु चयन हुआ है वही शैक्षणिक योग्यता आप यहां पे ऐड करके रखेंगे। आप यहां शैक्षणिक योग्यता में 10वीं और ITI दोनों को इस प्रकार अलग अलग ऐड करके रख सकते हैं। यदि आपका शैक्षणिक योग्यता 1 से अधिक ऐड है तो आप यहां इस हॉरिजॉन्टल बार को स्क्रॉल करेंगे और यहां पे आप देखेंगे जो डिलीट का यहां पे लोगो दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके अपने क्वालिफिकेशन को डिलीट करेंगे। यहां अपने प्रोफाइल के सारे डिटेल्स को बारीकी से चेक कर लेंगे। यदि किसी प्रकार का त्रुटि है तो उसे यहाँ एडिट बटन पर क्लिक करके अपना डिटेल्स को सही कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे मदर नेम, फादर नेम, जो भी आपका यहाँ पे डिटेल्स रहेगा सभी को आप कैपिटल बड़े अक्षरों में फिल करेंगे। यहाँ कुछ डिटेल्स जो गलत होंगे उन्हें सही करने के लिए ऑप्शन एक्टिव नहीं मिलेगा, तो आप घबराएं नहीं, आगे बताने वाला हूँ उसे कैसे सही करना है। आप सभी यहाँ डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट प्रूफ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पे अपलोड करते हैं, जो स्पष्ट दिखाई देगा वही यहाँ पे आप सभी लोग अपलोड करेंगे। आप सभी के मोबाइल में इस प्रकार का पेज दिखाई नहीं देगा, तो आप सभी अपने ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम यदि इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उससे आप सभी लोग एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद आप सभी का पेज बिल्कुल इसी तरह ओपन होगा। अब आपको ऊपर कॉर्नर में यहाँ पे फोटोग्राफ और नाम जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट का इंटरफेस दिखाई दे रहा है यह सिर्फ उनको ही दिखाई देगा जिन्होंने अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किया है। यहाँ आपको एक्शन ऑप्शन के अंतर्गत जो 3 डॉट बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे रेस प्रोफाइल रिक्वेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कैंडिडेट प्रोफाइल चेक का एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, यहाँ आपको वेरीफाई प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कैंडिडेट प्रोफाइल डिटेल्स का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ जो भी संबंधित सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वह स्पष्ट 2 MB साइज का बना सिंगल PDF होना चाहिए। ध्यान देंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट PDF में ही अपलोड करना है। JPG, JPEG, PNG फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं होगा, सिर्फ PDF ही सपोर्टेबल होगा।
एक से अधिक दस्तावेज होने पर आप सभी उन दस्तावेजों को जोड़कर एक सिंगल पीडीएफ बना लेंगे। यहाँ आपके प्रोफाइल से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, सिग्नेचर, फोटो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को छोड़कर जो भी डिटेल्स हैं, ये सभी सभी डिटेल्स को आप सभी लोग एडिट करके सही कर सकते हैं। यदि आपके नाम में किसी प्रकार का स्पेलिंग गलत है तो आप यहाँ दिए गए अपडेट बटन, यहाँ जो चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे नेम पूछा जा रहा है, जो आपका सही नेम होगा उसे यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड रिमार्क के अंतर्गत क्या लिखना है, आगे मैं एक फॉर्मेट के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कैंडिडेट प्रोफाइल डिटेल्स को सही करने के लिए आप सभी लोगों के लिए मैंने एक फॉर्मेट तैयार करके रखा है। आप सभी ने देखा जो आपका डिटेल्स है प्रोफाइल का, यदि आपका गलत है तो उसे सही करने के लिए अपडेट बटन पर क्लिक करना है, वहाँ पे जो चेकबॉक्स दिया हुआ है, और रिमार्क के अंतर्गत और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन सा आपको अपलोड करना है, इसमें सारी डिटेल्स दिया हुआ है। नेम के अंतर्गत आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 10वीं का सर्टिफिकेट। जेंडर के अंतर्गत आधार कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट, दोनों को मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ बना करके आप अपलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के अंतर्गत सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में 10वीं का सर्टिफिकेट या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो तो उन दोनों का एक सिंगल पीडीएफ बना करके आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार फादर नेम में आपको 10वीं का मार्कशीट वहां पे अपलोड करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में। मदर नेम के अंतर्गत भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना है। कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज के अंतर्गत आप अपना सिग्नेचर को बदल सकते हैं, अच्छी तरह से अपने सिग्नेचर को वाइट पेपर पे कर लेंगे और उसे स्कैन करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देंगे। आप अपना प्रोफाइल इमेज भी बदल सकते हैं, अपने प्रोफाइल इमेज को अच्छी तरह से स्कैन कर लेंगे और उसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंतर्गत अपलोड करेंगे। रिमार्क के अंतर्गत आप सभी लोगों को यहाँ पे लिखना है एंटर करेक्ट अस फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे सारी चीजें दिया हुआ है, आप सभी लोग इसका स्क्रीन शॉट ले करके रख लें, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे SMS करेंगे तो आपको यह फॉर्मेट मैं मैसेज के थ्रू भेज दूंगा। आप सभी यहाँ अच्छी तरह से ध्यान देंगे, जो डिटेल्स आपका प्रोफाइल का गलत है सिर्फ उसी फील्ड को अपडेट करने के लिए यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। यदि आपका डिटेल्स सही है तो आप सभी को यहाँ अपडेट बटन पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आप देखेंगे मदर नेम के अंतर्गत यहाँ पे मदर नेम दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको यहाँ अपडेट बटन पे क्लिक करना है और अपने माता जी का सही नाम यहाँ कैपिटल लेटर में फिल करना है। इस तरह से यहाँ पे मदर नेम आपका जो सही है उसे यहाँ पे फिल कर लेंगे अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे 10th का। रिमार्क के अंतर्गत जो मैंने पहले बताया था उसे यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद पेज को स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो कैंडिडेट ट्रेनिंग डिटेल्स का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा, एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड, जिसे आप सभी लोग एडिट नहीं कर पाएंगे। यह एस्टैब्लिशमेंट का डिटेल्स होता है, इसलिए आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर पाएंगे। पेज को स्क्रॉल करके आप सभी को नीचे आना है। उसके बाद आपके सामने एडुकेशन क्वालिफिकेशन का भाग दिखाई देगा। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो जो क्वालिफिकेशन ऐड करके रखे थे वह सारे क्वालिफिकेशन आप सभी को यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ आप नीचे देखेंगे कैंडिडेट आर एडवाइज टू एड ऑनली वन एडुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्टिकुलर ATS ट्रेड। यहाँ पे आप सभी को सिर्फ वन क्वालिफिकेशन अपने प्रोफाइल में रखना है, जिसके अकॉर्डिंग आप सभी लोगों का चयन यहाँ अप्रेंटिसशिप के लिए हुआ है। एक से अधिक क्वालिफिकेशन आपके प्रोफाइल में यदि ऐड है तो आप सभी यहाँ अपडेट बटन यहाँ पे जो दिया हुआ है चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एडुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर प्रोफाइल। इनका प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करते समय 10वीं 12वीं और ITI एड था, किंतु अभी मैंने 12th का जो है उसे मैंने डिलीट कर दिया है, तो अभी वर्तमान में जो प्रोफाइल में क्वालिफिकेशन एड है वह क्वालिफिकेशन यहाँ देखने को मिलेगा। एडुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो अभ्यर्थी NCVT से ITI किए होंगे वे सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में NTC एंड ITI ऑल सेमेस्टर का कंसोलिडेट जो मार्कशीट होता है इन दोनों का एक सिंगल PDF बना लेंगे और रीमार्क के अंतर्गत एंटर करेक्ट अस पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे। जो अभ्यर्थी SCVT से ITI किए होंगे वे सभी STC, जिनके पास STC होगा वे सभी STC और ITI मार्कशीट दोनों का एक सिंगल PDF मर्ज करके बना लेंगे और उसे अपलोड करेंगे। जिनके पास STC नहीं होगा वे सिर्फ ITI मार्कशीट को स्कैन करके सिंगल PDF में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड करेंगे। रीमार्क के अंतर्गत एंटर करेक्ट अस पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अंतर्गत जो अभ्यर्थी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं वे सभी यहाँ पे ITI का ऑल सेमेस्टर कंसोलिडेट मार्कशीट, NTC एंड 10th का तीनों का सिंगल PDF बना करके अपलोड कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं वे सभी यहाँ पे ITI मार्कशीट एंड NTC जो NCVT से होंगे और जो SCVT से होंगे जो मैंने पहले बताया है वे यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। क्योंकि रेलवे से जो लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं उन्हें अपने प्रोफाइल में 10वीं और ITI दोनों को अनिवार्य रूप से शैक्षणिक योग्यता में एड करना जरूरी होता है,
और कहीं कहीं जिनका सिर्फ आईटीआई शैक्षणिक योग्यता मांगा जाता है, वे अभ्यर्थी अपने क्वालिफिकेशन में सिर्फ आईटीआई को ऐड करके रख सकते हैं। यदि आप यहाँ पे आईटीआई का डिटेल्स जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है अपलोड नहीं करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है जब वेरीफाई होगा प्रोफाइल तो कैंडिडेट टाइप नॉन आईटीआई हो जाएगा, जिसके बाद आपको उसे सुधरवाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे आईटीआई का डिटेल्स जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा अपलोड करना बिल्कुल अनिवार्य है। उसके बाद नीचे एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इसे आप सभी को एक्टिव करना है। ऊपर में आपने जो भी डिटेल्स भरे हैं उसे अच्छी तरह से रीचेक कर लेंगे। यहाँ जो भी जानकारी आप अपडेट कर रहे हैं, एक बार यहाँ जमा स्वीकार करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई और परिवर्तन संभव नहीं है। मेरे आने वाले अगले वीडियो में आप रेस प्रोफाइल रिक्वेस्ट का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं देखेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अपने सारे डिटेल्स को अच्छी तरह से रीचेक करने के बाद यहाँ सबमिट फॉर अप्रूवल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो डिस्प्ले होगा। अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए यहाँ प्रोसेस बटन जो दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेंड सक्सेसफुली का एक पॉपअप विंडो डिस्प्ले होगा। आपने यहाँ जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस किया है, आपके प्रोसेस करने के बाद आप जहाँ से अप्रेंटिसशिप के लिए ज्वाइन किए हैं उस एस्टेब्लिशमेंट के यहाँ आपका सारा डिटेल्स क्या है। आप सभी के साथ यह छोटी सी जानकारी शेयर करने का कोशिश किया हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इन दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।